सहजशुचिकथा ब्रह्म विद्या नवद्या ज्ञानं सर्वात्मकं चिरचरितकृच्छेवति शान्तिरुक्ता आश्चर्यं चारुचर्या जननयनमनोमोहनी मुक्तवर्ग्या तं पूर्णानन्दतीर्थं ब्रह्म वेदांत विद्या एक वेदांत अनुष्ठान है यज्ञशाला में बैठ के होम करो और वेदांत विद्या आवर्त। ये कोई उपासना नहीं है कि मंदिर में बैठ के पूजा करो वेदांत विद्या हो। ये कोई ध्यान नहीं है कि चाहे बाहर नाक पर त्रासक लगाया कि गांवों के बीच में लगाया लगाया कि खरीदे में लगाया। ध्यान का नाम वेदांत विद्या है। वैकुंठ में जाने का नाम भी वेदांत विद्या है। समाधि लगाने का नाम भी ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या माने हमारे जीवन में अपने संबंध में एक ध्यान, अपने बारे में एक दूसरे के बारे में नहीं, अपने बारे में एक भूल है, भ्रम है, उल्टी समझ है, उसको मिटाने का नाम ब्रह्म विद्या। ये बात दूसरी है, इससे स्वर्ग का सुख भी मिल जाता है, इससे पितर भी चल जाते हैं, इससे भगवान भी मिल जाते हैं। इससे समाधि भी लग जाते हैं, लग जाए समाधि लग जाए, भगवान आके दर्शन दे दें, वैकुंठ में पहुंच जाए, स्वर्ग सुख मिल जाए, बादशाह का सुख मिल जाए, कोई बात नहीं। ये सब ब्रह्म विद्या के सामने तुच्छ है, क्योंकि उनसे भूल नहीं होती है। अपने बारे में जो ब्रह्म है, अपने बारे में जो भूल है, जैसा जैसा लोग बताते गए, बिना सोचे बिना समझे वैसा वैसा मानते गए, इसको अंध परंपरा करते हैं। तो अंध परंपरा, एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़, दूसरी भेड़ के पीछे तीसरी भेड़, हजारों भेड़, अरे बहुमत में भाई भेड़ है ना। एक बार क्या हुआ, बिहार में एक ट्रेन जा रही थी, वो बड़ी लाइन थी, छोटी सी चार दीवारी थी, बीच में से ट्रेन गुजरती थी, एक भेड़ दूर से उछल के चार दीवारी पार की। अब उसके पीछे पीछे हजारों भेड़ों ने चार दीवारी पार कर ली और वो रेलवे लाइन पर पहुंच गई, रेलगाड़ी आई और सैकड़ों भेड़ कट गई। तो ये भेड़ के पीछे भेड़, भेड़ के पीछे भेड़, ये जो दूसरे के बारे में नहीं है,
खास अपने बारे में है। किसी ने कोई नाम रख दिया तो वो नाम मार दिया, और किसी ने कोई जात बता दी तो जात मार दी अपनी वजह, किसी ने कोई धर्म बताकर किसी ने कुछ पढ़ा लिखा दिया, उल्टा पलटा संस्कार डाल दिया, उसको मान लिया बिना सोचे विचारे, बिना सोचे विचारे। सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा अपराध मनुष्य के जीवन में जो हुआ है वो यही है कि वो है कुछ और अपने को मानता है कुछ। सारा काम इसी में निवास करता है। वाल्मीकि रामायण में कुछ होता है, जो यथा संत आत्मान अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चौरे आत्मा पहाड़िया। है कुछ और अपने को मानता है कुछ और, बोले उसने तो अपने आप को गवा दिया, खो दिया अपने आप को, खो दिया, और उसने क्या पाप नहीं किया। हमारे सारे पापों का निवास सिर्फ इस बात में है कि मनुष्य अपने आप के बारे में न सोचता है न समझता है। नाम बदल दिया तो नाम भी बदल देता है उसे, देखो पहले हमारा नाम संकल्प था, पहले हम ब्राह्मण थे तो सन्यासी हो गए, कोई हिंदू से मुसलमान हो जाते हैं, मुसलमान से हिंदू हो जाते हैं। कहीं कहीं हिंदुस्तान में ऐसी रिवाज है कि ब्याह होने के बाद लड़की की जात में जाकर मिल जाते हैं। देखो लड़की अपने पति की जात में मिल जाती है, तो ये जात कभी भी हमेशा साथ नहीं रहती है ना, बदल जाती है, गोत्र बदल जाता है, जाति बदल जाती है। जिसने जैसा बता दिया बस वैसा मानते गए, वैसा स्वर्ग वैसा नरक वैसा मजहब वैसी जात वैसा नाम वैसी बात रस, तो अपने ऊपर सारी दुनिया को थोप लेना जो कि हमारी नहीं है, जिसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, ये बड़ा भारी अपराध है। कसूर हो अपराध मान कसूर, बड़ा भारी कसूर, और इसी का दंड मिल रहा है मनुष्य के जीवन में। जितने दुख हैं अगर ये भूल ना हो तो दुख तो तुमको छुएंगे ही नहीं। कोई दुख हाथ के सामने से चला जाएगा, कोई दुख हाथ छू के चला जाएगा, कोई दुख जरा दिमाग गर्म करके चला जाएगा, कोई दुख जरा दिल को खिला के चला जाएगा। और दुख तो आएंगे जाएंगे, आपके पास रह नहीं सकते थे। यदि आप अपने को जान रहे हैं तो कोई दुख आपके साथ चिपक नहीं सकता। और तो जैसे फिल्म में किसी का मरना होता है, किसी का जीना होता है, किसी का बिछुड़ना होता है, आग लगना होता है, तो साथ मालूम कब पड़ेगा। बेहूसी का नाम ब्रह्म विद्या नहीं है, होश हवास का नाम ब्रह्म विद्या है। कोई दुख छुएगा तो ब्रह्म विद्या माने नरक स्वर्ग में जाना आना नहीं, वैकुंठ गोलोक में जाना आना नहीं, और कोई बहुत बड़ा दर्शन पर्शन नहीं, कोई ध्यान समाधि नहीं, कोई उपासना नहीं। वेदांत विद्या माने आपके अंदर एक भूल रह रही है, उस भूल को निकाल फेंकना। ये अनुष्ठान नहीं है जग दादाजी के समान, ये साधना नहीं है योगाभ्यास के समान, ये उपासना नहीं है देवता की पूजा के समान, ये समाधि नहीं है। एक विद्या है, विद्या प्रमाण विद्या है, आओ जांच करो देख लो। विचारो मुख्य साधनम जीवन मुख्य अवसाराया, विद्याया मुख्य साधनम विचारो ब्रह्मण तेनो विगुर ब्रह्मा भगवान।
तो अब इसमें कहो कि विचार करते हैं, बड़े भारी विचारक हैं। कहा विचार आप करते हैं कि भोग कैसे मिले, ये विचार करते हैं, और कौन कौन सा कारखाना खोले, ये विचार आपको आता है। हम निष्ठा कैसे हो जाए, इसकी बुद्धि आपको आती है। हम पैसे वाले कैसे हो जाए, मान लें क्या पूछना है, बहुत बुद्धि है, बहुत विचार है। इस विचार को विचार नहीं कहते। ब्रह्म विद्या का विचार है, ब्रह्म का विचार। छोटे छोटे विचारों का जो ख्याल करेगा उसमें फंस जाएगा। एक दिन एक आदमी को चार आना पैसा दिया कि अमुक चीज ले आओ। अब उसमें से उसने एक आने की दो पैसे की चोरी कर ली, तो मालूम पड़ गया। तो अब उसको दो रुपया कैसे दें? जब वो चवन्नी में से चोरी कर लेता है तो उसको हजार, दो हजार, पांच हजार देंगे तो वो क्या करेगा? जो बड़ी छोटी चीज पर गिरता है वो बड़ी चीज पाने का अधिकारी है। आपका विचार थोड़े से बढ़ने वाली चीजों में अटक गया है, और थोड़ी दूर में रहने वाली चीजों में अटक गया है, थोड़ी थोड़ी चीजों में अटक गया है। साढ़े तीन हाथ की औरत, साढ़े तीन हाथ का मर्द, साढ़े तीन हाथ के शरीर में आपका विचार अटक गया है। आप बस इतनी छोटी सी चीज पर विचार करने के लिए पैदा हुए हैं। उसने हमको ऐसा बोल दिया, उसने हमारी ओर एक तरह से देख लिया, उसने हमारे साथ ऐसा कर लिया। अरे बाबा, शेर की तरह करो दुनिया में, कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम्हारी बुद्धि, ये तुम्हारा जीवन छोटी छोटी जीवों चीजों में उलझने के लिए नहीं है। जिसकी उम्र सबसे बड़ी है, जो उम्र की कैद में नहीं है, उसके बारे में तो सोचो कभी। वो कौन है? कब तुम हो। जो शरीर के जेल खाने में नहीं रहता है, जरा उसके बारे में तो सोचो, तो वो कौन है? कब तुम हो। और दुनिया में आग लगने से, बज्जर पड़ने से तुम्हारे आनंद में कोई बाधा नहीं पड़ती, वो कौन है? कब तुम हो। वो आनंद तुम हो। तो जरा विचार का जो विषय है उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। विषय माने हम किस चीज का विचार करते हैं। दाल में नमक ज्यादा पड़ गया और ऐसे चिड़चिड़ाए दाल खाते समय कि भोजन का मजा तो गया ही, दिन भर के लिए दिमाग खराब हो गया, तो ये का दिमाग और बिगाड़ा, घर वाले का दिमाग और बिगाड़ा, और एक एक रत्ती एक माते नमक ने तुम्हारे दिमाग को चाट दिया। तो विचार करो, बड़ी चीज का विचार करो, छोटी चीज का विचार मत करो। हम कलकत्ते गए थे तो एक ने बताया हमको, मजेदार मजेदार बात बताया। अभी किसी पर आक्षेप आप मत समझना, वहां हमको ऐसा सुनने को मिला। हम लोग कहते हैं कि जब एक पंजाबी आता है कलकत्ते में तो इस बात की खोज करता है कि हम किसी टैक्सी के ड्राइवर कैसे हो जाए। एक बंगाली जब आता है देहात से तो वो खोजता है कि हम किसी ऑफिस में क्लर्क कैसे हो जाए, बाबू कैसे हो जाए। कोई महाराष्ट्र आता है तो सारे ऑफिस को अपने हाथ में करना चाहता है, पर जब मारवाड़ी आता है तो सोचता है कि ये मोटर कंपनी हमारी कैसे हो जाए। न
वो टैक्सी का ड्राइवर होना नहीं चाहता, वो समूची मोटर कंपनी को अपने हाथ में करना चाहता है। तो भाई ख्याल भी तो बड़ा होना चाहिए, तुम्हारा ख्याल भी बड़ा नहीं है। ब्रह्म का विचार, ब्रह्म का विचार, विचारो ब्रह्मा, ब्रह्म का विचार करो। ब्रह्म माने देह काल वस्तु, लंबाई चौड़ाई आज कल परसों, आज कल परसों इसका नाम काल हुआ, यहाँ वहाँ इसका नाम देश हुआ, ये वो इसका नाम वस्तु हुआ, ये सब ब्रह्म है। ये हुआ में मत सको, यहाँ वहाँ मत सको। ये सब जितने प्रांतीय राष्ट्रीय विचार हैं वो देश के विचार की सीमा में आते हैं, और जो सांस्कृतिक धार्मिक ग्रांतिक जो विचार हैं स्थानीय विचार में आते हैं, सब सब स्थानीय विचार, कालिक विचार, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था। अब सोचिए मरो वो तो बीत गया, लौट के आने वाला है। अब तुम्हारे पिताजी जो पगड़ी बांधते थे वो तुम बांध के बाजार में निकल नहीं सकते हैं, चाहे प्राचीन संस्कृति की जितनी तारीफ करो, लेकिन पिताजी वाली वो बगल बंदी भी नहीं आवेगी और पिताजी वाली पगड़ी भी नहीं आवेगी। हाँ व्याख्यान देना होगा तो कहोगे प्राचीन संस्कृति बहुत अच्छी है, याद कर करके बोलो। शायरी मर गई, अब जिंदा न होगी यारो, याद कर कर उसे दिल कुड़ाना हरगिज़। कि हाल ही का है, बहुत मजबूत है। शायरी मर गई, अब जिंदा न होगी यारो, याद कर करके उसे दिल न कुड़ाना हरगिज़। अपने दिल क्यों कुड़ाते हो, अपने दिल को ठीक। तो विचार भी छोटी चीज का नहीं करना, बड़ी चीज का विचार करना, और बड़ी चीज का विचार करना तो जो सबसे बड़ी चीज है उसका विचार करना। तो फिर सबसे बड़ी चीज क्या है इसका विचार करना। कौन सी पुरानी संस्कृति लोगे, पहले साधु लोग कपड़े नहीं पहनते थे, फिर लंगोटी लगाने लगे, फिर कटिवस्त्र बांधने लगे, फिर तिरवा कपड़ा पहनने लगे, इनमें से प्राचीन संस्कृति कौन सी। पहले सीधा कपड़ा नहीं पहनते थे, वो कर्म काटे थे, शास्त्र में निषेध, न स्यूते न कटभे न पारक्य न विशेषता आ निकल कर्म करोगी। सिला हुआ कपड़ा पहन के, जला हुआ कपड़ा पहन के, और दूसरे का पहना हुआ कपड़ा पहन के अपना नित्य कर्म नहीं करना चाहिए। कौन सी संस्कृति भाई, रेशमी कपड़ा पहन के करना। लोगों ने कहा कि रेशम जो बनता है ना, उसको तो जो कीड़ा बनाता है उसको पानी में उबाल के तब रेशम निकाला जाता है, हिंसा से बनता है। सूती कपड़ा होता है तो उसमें मैल चिपक जाते हैं। नंगे हो गए करने नहीं चाहिए, अब कैसे हैं। तो भाई अपने मन को छोटी जगह में मत उठाओ, छोटी छोटी बातों से उसको तंग मत करो, छोटी छोटी बातों से उसको घायल मत होने दो। परब्रह्म परमात्मा का विचार करो, देरो देरे वहां में जो करो, बोलो गुरु संसार नारायण तू बैठ के अपनो हवन दुआर। अपना अपना घर सब साफ रखते हैं तो सारी दुनिया साफ रहे। तो विचार करो ब्रह्म का, इससे प्राप्त होती है ब्रह्म विद्या, वेदांत ज्ञान। वेदांत ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति रहती है, और भ्रम की निवृत्ति का जो फल है वो इसी जिंदगी में देखने में आता है। जीवन मुक्त हो जाना स्वस्थ। बोले भाई साधन तो बहुत हैं, कुछ करने की बात बताओ, साधन की बात बताओ। क्योंकि
जब तक दान आपके ग्राहक को उठा के मुंह में नहीं डालते हैं तब तक वो मुंह में नहीं पहुंचता है, खाने को नहीं मिलता है। तो कुछ करने पर तो खाने को मिलता है, ये हमारी आदत है। वो जब फैक्ट्री खोलते हैं तब कपड़ा बनता है, जब खेती करते हैं तब अनाज पैदा होता है, तो दुनिया में व्यायाम करते हैं तो बच्चा होता है, कभी ना हो ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ करने पर कुछ होता है, इसलिए हमको तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए कुछ करने की बात बताओ। वो तो करने में बिना किए लोगों को संतोष नहीं होता है। ये असल में सब कुछ दुनिया में संसार में सब कुछ करने से बनता है। तो ऐसा संस्कार जिसके मन में बैठ गया है वो यही सोचेगा कि कुछ करने से ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। ये संस्कार ही है। तो बोले अच्छा क्या करें, क्या पैदल पूछते क्या खाएं तो ज्ञान होगा, फिर पूछते क्या करें तो ब्रह्म ज्ञान होगा, फिर क्या सोचे तो ब्रह्म ज्ञान होगा, किससे प्रेम करें तो ब्रह्म ज्ञान होगा, कौन खुश होगा तो ब्रह्म ज्ञान देगा। ये दुनिया में सब चीजें ऐसे ही मिलती हैं, और कुछ खुशामद से मिलती हैं, कुछ करने से मिलती हैं, कुछ खाने से मिलती हैं, कुछ भोगने से मिलती हैं। देखो दूसरी चीज वो सब ऐसा होगा, अपने आप को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल उल्टी बिल्कुल निराली रीति है कि अपने आप का ज्ञान साक्षात्कार कैसे हो जाए। सत्यम तपो तम शांत दानम धर्म प्रजाजनय अग्निहोत्र जाग जोग न्यासुभुता न्यासोधिक तपो न्यासी चुनिता। सत्य बोलना था जो ब्रह्म जिज्ञासु हो उसको सत्य का प्रेमी होना जरूरी है, क्योंकि जिसको सत्य से प्रेम होता है वो सत्य की खोज करता है। भाई देखो ये काम करना है, ये बात बोलनी है, कहीं हमने मालूम नहीं किया कि सच्चाई क्या है तो क्या था क्या बोल देंगे। तो पहले सत्य को जानेंगे तब न सत्य बोलेंगे, कर्तव्य को समझेंगे तब न कर्तव्य करेंगे। तो बोले भाई आप यदि सत्य वस्तु का साक्षात्कार चाहते हैं तो सत्य के प्रेमी बनिए। सत्यम जो झूठ का प्रेमी है वो सत्य का जिज्ञासु कैसे हो, क्या कह क्या जरूरत है जानने की, अरे चाहे सच कुछ भी हो हमको तो लड्डू चाहिए। ब्राह्मण बोलता है चाहे ब्याह के लड्डू हो और चाहे श्राद्ध के लड्डू हो, हमको श्राद्ध ब्याह से क्या मतलब, हमको तो लड्डू खाने को चाहिए। धर्मशास्त्र में लिखा है कि श्राद्ध का लड्डू खाने के बाद तुरंत स्नान करके कम से कम 1000 गायत्री का जप करना चाहिए, ऐसा लिखा है। ब्राह्मण कहेगा हमसे क्या मतलब है कि श्राद्ध है कि क्या है, सूतक है कि पालक है, हमको तो लड्डू से मतलब है। तो वो ब्रह्म का जिज्ञासु नहीं होगा, वो तो ये देखेगा कि लड्डू कहाँ मिलेगा। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि आज रसोई मत बनाओ, हाँ पड़ोसी के घर में ब्याह है वहां भोजन कर आएंगे। तो पत्नी ने कहा कि निमंत्रण तो आया ही नहीं है। तो बोले निमंत्रण नहीं आया है तो क्या आप तो जाएंगे। तो बोले शायद कोई कह दे, बोले कोई कह देगा तो कौन अपनी जान के हैं, अरे चले आएंगे चले आएंगे। तो भाई जो सत्य का प्रेमी होता है वो सत्य का जिज्ञासु होता है और उसके अनुसार आचरण करता है। जब तुम्हें लड्डू ही चाहिए, सत्य चाहिए ही नहीं, धर्म चाहिए ही नहीं, तो सत्य की जिज्ञासा कहाँ से होगी। अब सत्य के बारे में भी दो विभाग है,
उसको भूलना कि नहीं भूलना। एक सत्य ऐसा होता है जो भूला नहीं जा सकता, वो भी सत्य है। एक सत्य ऐसा होता है जो भूला जा सकता है, आत्म सत्य ऐसा है वो जो भूला नहीं जाता। तो वहीं से ये बात निकली है भाई, मौन बोलना श्रेष्ठ है कि मौन श्रेष्ठ है? अरे मौन श्रेष्ठ है। देखो क्या बोलना क्या नहीं बोलना, मौन की श्रेष्ठता क्यों है? क्योंकि जो सबसे ज्यादा सच है अपना आत्मा, उसको तो हम बोल के बता ही नहीं सकते। तो बाहरी चीजों को ही बोल के बता देंगे तो बोलने से तो ऐसा है मौन। अच्छा यदि बोलना ही पड़े तो क्या करना है? बोले भाई ऐसे ढंग, कुछ ऐसा ढंग बैठा लेना, कुछ ऐसा ढंग बैठा लेना कि उसको जो सुने उसको तकलीफ ना हो। तीर मारना, तलवार मारना और दबान से मारना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों से हिंसा होती है, दोनों से मनुष्य के हृदय में चोट लगती है। तो बोलना तो क्या बोलना, जो हितकारी हो तो बोलना, प्रिय शब्दों में बोलना, मित थोड़े में बोलना, मित बोलना, हित बोलना, सत्य बोलना, समय समय में बोलना, समय के अनुसार। रात हम भोजन कर रहे थे महाराज, रात की बात कर करते ऐसी जुलाब की चर्चा करी, फिर बाद में तो मैं खुद भी शामिल हो गया उसमें। मैंने कहा करो भाई मना करने से कि हम भी हाँ जो कर ले। कौन सा गुलाब अच्छा काम करता है जिसकी निमंत्रण होने लगेगा? तो सत्य सत्य न बोलने का सत्य एक है, और बोलने का जो सत्य है उसमें हित होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए और सरोचित होना चाहिए। सत्य आप दूसरी बात है, अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो थोड़ा संयम का अभ्यास करना पड़ेगा। संयम माने अपने को तकलीफ सहने का अभ्यासी बना लें। समय से भोजन न मिले, अपने मन का कपड़ा न मिले, अपने मन की बात कोई नहीं करे, तो भाभाक न जाए, फर्क न उठाए, अपने को सताए दूसरे को न सताए। तपस्या का अर्थ होता है अपने को सताना। गीता का सिद्धांत है कि दूसरे को जो आप खिलाते हैं वो ईश्वर को खिलाते हैं, और स्वयं जो संयम करते हैं उसको देखकर ईश्वर प्रसन्न होता है। दूसरों को खिलाइए। हमारे गांव के पास एक सज्जन थे, पहले बहुत धनी थे, पीछे बहुत गरीब हो गए। एक दिन मैं उनके दरवाजे के पास से निकला, लाट लिया है हम लोग गुरु लगते थे, लाट उसके प्रणाम किया। जो अपने से बड़े को देख करके खड़ा नहीं होता है वो आलसी है, उसके जीवन में आलस है। तो आलस से होने से उसकी जो कर्म शक्ति है उसका लोप हो जाएगा, फिर वो कोई अच्छा काम दुनिया में नहीं कर सकेगा। जो अपने से बड़े को देखकर उसका आदर करने के लिए खड़ा तक नहीं हो सकता, उसके भविष्य की जन्म कुंडली बन गई, वो आलसी है, वो निकम्मा हो जाएगा, उसकी प्राण शक्ति का लोप हो जाएगा। मनुस्मृति में से ऊर्ध्वम प्राण उत्क्रामंती नून स्थगिर आयते, प्रस्तुत खाना विवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। बड़े को देखकर खड़ा होने में आलस्य न करे और सिर झुकाने में विनय, तो समझो कि अपने जीवन में आगे सफलता प्राप्त करेगा। नम्रता भी इसके जीवन में रहेगी और कर्मण्यता भी, कर्मशीलता भी इसके जीवन में रहेगी। ये दोनों का नमूना है, मनुस्मृति की बात है, उदाहरण का। अपने को संयम में रखना, तब आप रंग में युद्ध भूमि में अरे जंगल में रंग में बल में जहां रहेंगे वहां बिना पानी के भी थोड़ा रह सकेंगे,
चार छह घंटे चाय न मिले तब भी रह सकेंगे, एक दिन समय से भोजन न मिले तब भी रह सकेंगे। अपनी आदत ठीक रखने के लिए, सुधारने के लिए हो, अपने भविष्य के जीवन में ज्यादा तकलीफ न हो। नहीं तो कभी कभी महाराज हवाई जहाज पर होकर चलने वाले, जब जंगल में हवाई जहाज गिर पड़ता है ना और बच रहते हैं और ईश्वर कृपा से बच जाते हैं, तो वहाँ पानी न मिलने का, चाय न मिलने का, भोजन न मिलने का, शरीर सबके जीवन में कभी कभी ऐसी बात आ सकती है। पानी का जहाज जब डूबता है पट्टे पर उनको तैरना पड़ता है, तो अपने जीवन में तपस्या चाहिए। तपस्या माने संयम। इसको सोलह और एक विंश बोलते हैं तब को, सोलहवा और इक्कीसवा, ये स जो है वो सोलहवा है और स जो है वो इक्कीसवा है। आप गिन लेना क से, खा कर से गिनोगे ना तो सोलहवा क और इक्कीसवा प। सोलह धर्म और एक विंशति प्रकार के, सोलह प्रकार के अधर्म का निराकरण और 21 प्रकार के सद्गुणों का धारण इस तप में आता है। तो कभी कभी इंद्रियों में उत्तेजना आती है। अच्छा, ये नहीं समझना कि उत्तेजना आ गई तो हमारा सत्यानाश हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। हम देखते हैं 2 वर्ष के बच्चे के शरीर में भी उत्तेजना होती है। जो लोग बच्चों से जिनका काम करता है, वो एक शरीर का प्राकृत स्वभाव है। तो यदि बड़े आदमी के शरीर में कभी नाक पांव डर जाए, किसी प्रकार की उत्तेजना आ जाए, कच्चे पांव पीट रहे हैं, कच्चे हाथ मार रहे हैं, कच्चे नोट ले रहे हैं, यदि बड़े जीवन में भी कभी आ जाए तो उसको रोकने का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर होना चाहिए। यदि आप ये चाहते हो कि जो मन में आवेगा तो बोलेंगे, तो आप असामाजिक गुंडागर्दी में चले जाओगे। जब जो मन में आवेगा तो ही करेंगे, तो आप भले मानस थोड़े जाएंगे, गुंडे हो जाएंगे, क्योंकि मन तो गुंडा पहले से ही है। मन तो गुंडा नहीं, उसके साथ जीव को भी गुंडा बना दिया और उसके साथ हाथ को भी गुंडा बना दिया। जहां मन में आया वहां चले गए, जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया कर लिया। तो ऐसा तो पशु रोग भी नहीं करते हैं। ये आवारा गर्दी का जीवन अपना नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी साधना है कि संसार की कोई चीज हमारे ऊपर हावी न हो। मन का एकाग्र होना बहुत कीमती नहीं है, मन का समाधि में जाना भी बहुत कीमती नहीं है, और मन का अच्छे काम में लगना भी बहुत कीमती नहीं है। जहां हम चाहें वहां लगे और जहां हम न चाहें वहां न लगे। मन का काबू में रहना महत्वपूर्ण है। अपनी इच्छा से वहां जाके भले आदमी के घर में बैठता है तो अपनी इच्छा के अधीन हो जाएगा, तो कभी बुरी जगह भी जाके बैठेगा। आज अपनी इच्छा से अच्छी चीज खाता है, कल उसकी इच्छा होगी तो बुरी चीज खाने लगेगा। मन नौकर है, उसका आज्ञाकारी होना ये उत्तम वस्तु है। आज्ञाकारी मन को आज्ञाकारी बनाओ, वश में रखो। यदि मन के वश में हो गए, बच्चों को बुरी आदत क्यों पड़ती है? वो अपने हाथ को काबू में नहीं रख सकते, वो अपने जीव को काबू में नहीं रख सकते। खाने में, बोलने में, करने में बच्चों का जीवन जो खराब होता है, वो वशीकरण का अभ्यास माँ को देख के, बाप को देख करके वश में रखने का अभ्यास उनके अंदर नहीं होता है। वो साधु पास होते हैं, क्या करेंगे हमारे गुरु जी और क्या करेंगे हमारे माँ बाप। वो
अपने मन को हम जहाँ लगावे वहाँ लगे, हम जहाँ से हटावे वहाँ से हटे, और इसका नाम काम होता है। अब एक बात आप सुनाते शांति। असल में शांति एक ऐसा सद्गुण है असत्य से आप कैसे बच सकते हैं? आपके मन में शांति हो, हिंसा से आप कैसे बच सकते हैं? आपके मन में शांति हो, असत्य के अभाव का नाम सत्य शांति है, हिंसा के अभाव का नाम अहिंसा शांति है, चोरी के अभाव का नाम अत्यय शांति, काम के अभाव का नाम ब्रह्मचर्य शांति है, और लोभ के अभाव का नाम अपरिग्रह शांति है। शांति एक है और दुर्गुण बहुत, असल में दुर्गुण बहुत है। झूठ बोलना होगा अलग, किसी को सताना होगा अलग, किसी की चोरी करनी होगी अलग, दुर्गुण सब अलग अलग होते हैं और दुर्गुण हजार होते हैं। तो ये शांति जो है ये सबसे बड़ा है। दान करने का कसूर जो है ना वो बहुत कम लोगों को होता है। आप नाराज मत होना, हम जानते हैं आप लोगों में से बड़े बड़े दाने हैं। अगर 100 आदमी जिंदा रहे इसके लिए दान, और एक आदमी जो धर्म की शिक्षा देने वाला है, जो सबको संगत की शिक्षा देने वाला है, जो त्याग की शिक्षा देने वाला है, उसके जीवन निर्वाह की व्यवस्था, 100 मूर्ख जिंदा रहेंगे उसके संसार का कोई उपकार नहीं, और एक विद्वान, एक धर्मात्मा, एक सदाचारी जिंदा रहेगा तो वो फिर लाखों को धर्मात्मा सदाचारी बना सकता है। ये शास्त्रीय दान की बात मैंने बताई हो, इसीलिए उसमें बहुत बुद्धि काम करती है। मकान नहीं रहे एक नीचे बैठ करके धर्म की शिक्षा दी जा सकती है, पहले ऋषि को ऐसा करते हैं। कोई क्षेत्र न चले ब्रह्मचारी को गांव में से शिक्षा मांगते, परंतु यदि पढ़ाने वाला ही चिंता नहीं रहेगा, हमारे वृंदावन में कुछ ऐसी ऐसी महल बने हैं पता, कुछ गंगा जी के किनारे खाली पड़े हैं, फिर जाएंगे इस दर तो उसमें कोई नहीं रहेगा, कुछ गोबर गोबर घर में तो बहुत ज्यादा, चारों तरफ मानसी गंगा से जो भरतपुर राजा के मकान बने हैं लोग कभी होने के लिए जाते हैं, क्योंकि अच्छी भी नहीं है। देखो हमारे वृंदावन में जय सुरवाला मंदिर है, एक मील का घेरा होगा, करोड़ों रुपए लगा के उस समय बना होगा, कई सौ उसमें है कमरे हैं, ताला बंद रहता और लोग सर्विस करते हैं, ये स्थिति है। नारायण हमारा धर्म, हमारा ज्ञान, हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति है ना जिंदा रहे, एक ज्ञानी रहेगा तो लाखों ज्ञानी बन सकते हैं, पर लाखों तो लाखों बदमाश, लाखों उठ, लाखों गुंडे जिंदा रहेंगे तो वो लोगों का कोई उत्साह है। इसलिए देते काले पात्रित सरकार प्राप्त करने के बाद दान के लिए भी नकद दानम प्रथम करते जैन वृत्ति भी कर देते हैं। मनोज जी कहते हैं दान भी करो परंतु स्वयं भूखे मर जाओ ऐसा दान नहीं करना, यह करो और पहले अपने जो नौकर काकर है ना उनका 3 बरस का बंदोबस्त करके सब बड़े बड़े जगह करने चाहिए। नौकरों से बेगार नहीं लेनी चाहिए, उनके तनख्वाह में कमी नहीं करनी चाहिए। साहब भाई हमारे घर में आज यज्ञ है तो इसमें तुम लोग पर रात दिन लग जाओ,
तुम्हारा भी कर्तव्य है कि जज नहीं सहायता करो। अरे बाबा उनसे ज्यादा काम लेते हो तो उनको ज्यादा देना चाहिए। ये बात श्री नाम का एक ग्रंथ है धर्म शास्त्र चतुर्भर्ग चिंता नहीं उसका नाम है क्योंकि हिमाद्री राजा ने उसका संग्रह किया है इसलिए उसके हिसाब से उसमें एक काम एक काम होता है। अब किसी की हिम्मत ही नहीं है कि उसके दोबारा साफ है। एक वीर मित्रोदय ग्रंथ है उसमें एक कान प्रकाश है कान मयूर है बारह प्रमाणों में कृत्य कौमुदी में एक उस ग्रंथ काम से संबंधित है। दानव धर्म प्रजा विनय धर्म करना चाहिए प्रजा का पालन करना चाहिए अग्निहोत्र करना चाहिए यज्ञ करना चाहिए योग करना चाहिए बोले कि साधन तो क्या है तो इनमें सबसे बड़ा साधन कौन है क्योंकि ये बड़े आदमी लोग जो होते हैं ना तो कहते हैं जो सबसे बड़ा हो वही हम करेंगे छोटा छोटा काम वो कहते हैं हम पहली सीढ़ी पर दूसरी सीढ़ी पर पांव नहीं रखेंगे हमको उछल के जो आखिरी सीढ़ी है ना उसी पर पांव रखेंगे। बोले अच्छा लो हम तुमको सबसे बड़ा जो धर्म है उसको बता सबसे बड़ा साधन विचार कम होगा माने ब्रह्म विद्या का साक्षात साधन तो विचार है विचार से ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है ब्रह्म ज्ञान होता है वो विचार ब्रह्म का बनाते हैं तो ब्रह्म का जब विचार होगा ब्रह्म का विचार होगा तब काप दूसरे विचारों से अपने मन को हटा लेंगे तब आप लोगों ने स्वामी विद्यानंद जी का व्याख्यान सुना होगा और बोलते थे ऐसा होगा क्या ऐसे बोलते ये कहोगे क्या ऐसे बोलते उसकी जो माला गले में होती थी ना वो थोड़ी इधर को जब ऐसे गला होगा तो थोड़ी इधर चल जाते पूरा व्याख्यान होते होते उनकी माला घूमते गले में आ जाते ऐसा होगा क्या ऐसा करोगे तो बड़े भारी मंदिरेश्वर थे विद्वान थे आदरणीय पुरुष थे हमारे बड़े थे एक माना व्याख्यान होगा उनका बड़ा भारी स्थान है अहमदाबाद में उनके शिष्य स्वामी प्रधानमंत्री जी महाराज बड़े बड़ा काम होता है सबसे बड़ा विचार का साधन क्या है उसको बोलते हैं न्यास उत्तर संस्कार न्यास का कबीर जतन से होगी ज्यों की त्यों घर पीढ़ी सदर जाती आपके घर में खाने पीने की बहुत चीजें हैं उनको रखने दीजिए जहां तक आप आपकी बहुत सी फैक्ट्री चलती हैं उनको वहां रखें और हड्डी मांस काम काज का शरीर है उसको वहां रखें अपनी अपनी जगह पर सब है आपकी हाथ मुबारक आपका कान मुबारक आपकी जीत मुबारक अपनी जगह पर रहे हो न्यास काल से नितराम आप असुखे थे खोल देना जो चीज जहां है उसको वहां खोल देना उसका भूल अपने सिर पर नहीं लेना और उसको पकड़ना नहीं किसी चीज का बोध दुनिया का अपने ऊपर लोगे तो आप ब्रह्म विचार नहीं कर सकते और किसी चीज को जोर से पकड़ोगे तो कोई कहे ना यहां मत बैठोगे ठीक है यहां नहीं बैठेंगे वहां बैठेंगे अब यदि हम चिंता किसी कर लेंगे कि नहीं हम तो यही बैठेंगे तो ब्रह्म विचार नहीं होगा हो यदि खान के लिए झगड़ा कर देंगे मत के लिए मुकदमा चल जाएगा तो ब्रह्म विचार नहीं अच्छा बोले भाई हम तो इन्हीं को साथ रखेंगे इन्हीं के साथ रहेंगे बोले यदि आदमी को पकड़ लोगे
तो ब्रह्म विचार नहीं होगा, फिर तो आदमी का विचार होगा इसको कैसे रखें, इसको कैसे खिला रहे, इसको कैसे खिला रहे। न शिक्षण अनुबंधन तो शिक्षार्थियों को बांध करके नहीं रखना चाहिए। तो जगह की आसक्ति, व्यक्ति की आसक्ति, सभी अंतर्दृष्टि के लिए दुनिया में जितनी चीजें हैं वो हमारे थोड़ी हुई है। हम लोग चतुर्थ अखंड आत्मा का विचार कर रहे हैं, किसी चीज को पकड़ के खान की आसक्ति, हम दूध पियेंगे तब विचार करें, जिस दिन दूध नहीं मिलेगा उस दिन ब्रह्म विचार करता होगा वो तो विधायक करा जाएगा। खान की आसक्ति, वस्तु की आसक्ति, व्यक्ति की आसक्ति, न्यास कर देना माने जहां जो है उसको वहीं छोड़ देना। दान में और न्यास में फर्क होता है, अपना स्वत्व, अपना हक हटा के दूसरे का हक कायम करना, इसका नाम दान है। आज तक गाय हमारी थी, अब आज से तुम्हारी हो गई, तो वो दान हो गया। अच्छा देखो दान बोलते हैं, दान का काम नहीं होता। आज तक ये झगड़ा हमारा था और आज से हम इसको छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं माने असफलता हो गया। तो न्यास माने क्या होता है, संसार की संपत्ति का दान तो तब है जब हम अपने हक की जगह दूसरे का हक बना दें, स्वस्व निवृत्ति पूर्वक परस्परत्वा बाधना, अपना हक मिटाकर दूसरे का हक बनाना, इसका नाम दान है। और अपना हक छोड़ देना और किसी का हक नहीं बनाना, जो चीज कहा है वहां वैसी पड़ी रहे। तो आप ब्रह्म विचार करने के लिए दुनिया को यथास्थान छोड़ दीजिए, हटाने में भी तकलीफ होती है, कटाने में भी तकलीफ, बताने में भी तकलीफ, जहां भी कहा जो चीज छोड़कर और अपने विचार को ब्रह्म का विषय बनाइए। तो सब साधनों में बड़ा साधन क्या है, ये सतर्कता, ये उपेक्षा की दृष्टि। एक कक्षा में सबको बढ़ के जिस चीज को हम समझना चाहते हैं उसको समझने का प्रयास। अच्छा जी, ओ